नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज। मैं हूं शर्मा गुरुजी, पल पल की खबरों के साथ। आइए बात करते हैं हमारे संवाददाता से, क्या है आज की खास खबर। बुलंदशहर में बाइक सवार युवकों ने राह चलते किशोरी को किया अगवा। अगवा की गई युवती मिली गंभीर हालत में और दिया बयान। तो आइए जानते हैं क्या है युवती का कहना, जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट में। मैं गंदराबाद की रहने वाली, मस्जिद का मेरा मकान है, उसके पीछे इस मेरे बच्चे को सजा दी गई। रेप के इरादे से मेरा बच्चा उठाया गया। जब मेरी लड़की मारी पीटी तो दोस्त बता दिया कि हम इसके दोस्त हैं, हमें ये गुंडों से पिटवा रही है। और क्या बोलूँ, गरीबी है मेरे, आपको दिखाई दे रहा है सारा कुछ। कहाँ से ले गए थे आपकी बेटी को? मेरी बेटी को बिलसूरी से, साजी डेयरी से। हाईवे पर जो पड़ती है? नहीं, ये सिकंदराबाद के पास जो साहब, ये साजी डेयरी है। ये दो लड़कियां थी, एक कसाई की थी, उसको छोड़ दिया। अब वो कह रही है मेरी अम्मी घर में है, मैं नहीं आ रही हूँ, मैं डर रही हूँ। एक लड़का कसाई का था जो मुझे टाटा करता हुआ गया पुलिस वालों के सामने। दूसरा गद्दी का था जिसने कहा बिगाड़ रही है, जो बिगाड़ लियो जाए, उससे देखा जाए, छोड़ेंगे जब भी नहीं। मुझे डर है अपने परिवार का भी, अपने बच्चों का। मैं दो जनी साजी डेयरी पे गई, वो तीन साजी डेयरी पे मैं वहाँ पे बैठी, तीन चार जने आए थे, दो जने मुझे उठा के ले गए बाइक पे, बीच में बिठा के उसने मुझे बुरी तरीके से मारा था। आगे के मैं मोटा वाला डंडा लाया था, वहाँ पे मुझे बचाया। ठीक है, मैं फ्राइवर के पास, इसने दोबारा गाड़ी मोड़ ली थी, उसके नीचे से फिर निकाली, फिर अंकल एक पुलिस वाला आया, उनने बचाया था मुझे। फिर कह रहे हैं करके हमारा मामला है, हमें छोड़ दो यहाँ से, हम जा रहे हैं आपसी है। और क्या कहें, मैं इसके घर पर जाके मैं इसकी अम्मी को फ़ोन कर रहा हूँ, उसका मेरा फ़ोन उसके पास था जब पुलिस वालों ने दिलवाया था। आप जानते थे पहले से उसे? मैं नहीं जानती उसे, उनने साथ मेरे साथ ज़बरदस्ती करी। अब पुलिस से आपने शिकायत करी है? फ्लाईओवर के नीचे क्या काम पुलिस के। ये थी हमारी आज की खास खबरें। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। देखते रहिए ओरित्राय न्यूज। जय हिंद, जय भारत।